एस्टेरिफिकेशन किसकी बात करते बेटा? हिंदी में कुछ इसको भी बोलते हैं एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन की बात करो, हिंदी में इसको हम बोलते हैं एस्टरीकरण, है ना। ये पूरी बात करें एस्टरीकरण जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? बात करें इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और यहां बेटा बात करें डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब जो वाटर निकालने वाला एजेंट है बेटा, बात करें वो क्या है? कंसंट्रेटेड H2SO4। सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ेंगे अपन दीदी, बात करें अगर ये ना हो तो बेटा बात करें ड्राई HCl भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? लेकिन आपकी जो बुक में दीदी भरमार पड़ी है ना बेटा, बात करें वो है कंसंट्रेटेड H2SO4। तो एस्टरीफिकेशन गुड़े बात करें पता है, अगर ये गुड़े बात करें प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ बेटा, बात करें कंसंट्रेटेड H2SO4 और गुड़े बात करें ड्राई HCl, ठीक है। तो कहां पे बेटा बात करें, कहां पर होता है ये? होता क्या है जब बेटा बात करें किसी हम एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर बनता है, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस में गुड़े बात करें पता है, एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराने पर वाटर निकलता है, और वाटर निकालने का काम कौन करेगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 करेगा या फिर ड्राई HCl करेगा। यदि दी बात करें पता है H3PO4 कर देगा, लेकिन आपकी बुक में मिलेगा आपको बेटा बात करें क्या? केवल और केवल कंसंट्रेटेड H2SO4। तो H2SO4 इसकी प्रेजेंस में होता है। एस्टरीफिकेशन में गुड़े बात करें होता है क्या बेटा? बात करें पानी निकलता है डेफिनेटली, पर गुड़े बात करें पता है एल्कोहल की रिएक्शन जब भी हम किसके साथ करते हैं? एसिड के साथ। मतलब जैसे अपन एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं, वाटर निकलता है, सॉल्ट बनता है। तो वो रियल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्ट टाइप का कंपाउंड है एस्टर का बनना, ठीक है। तो पूरे बात करें यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास। जैसे अगर अपन बोले बेटा बात करें एक एसिड लिया मैंने, और एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराना बेटा? बात करें एल्कोहल के साथ कराना, एल्कोहल के साथ कराना है। किसकी प्रेजेंस में कराना है? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कौन है बेटा ये बताओ? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन है ये? डिहाइड्रेटिंग बुढ़े बात करें एजेंट है, जो बुढ़े क्या करता है? -H2O वाटर को निकालता है। पानी का निकलना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। क्या कहलाता है बेटा? डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। तो बुढ़े अगर देखा जाए यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बनेगा एस्टर। क्या बन जाएगा? एस्टर, ठीक है। बस इतनी सी काम। एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराओ, कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करो, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो पानी निकालेगा, एस्टर बन जाएगा। अच्छा पानी कहां से निकलेगा गुड़िया? बात करें एसिड से निकलता है बेटा, बात करें OH, और एल्कोहल से निकलता है H। हमें दीदी ये याद रह जाता है कि एसिड तो H+ देता है, बात सही है। एसिडिक मीडियम में अगर हम केवल गुड़िया बात करें एसिड का डिसोसिएशन कराएं तो वो H+ देता है, लेकिन जब वो एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन से गुजरता है तो उससे OH निकलता है, क्योंकि यहां पर एल्कोहल उससे ऐड होता है। बात समझ पा रहे हो? एल्कोहल को ऐड होना है तभी तो एसिड से कुछ ना कुछ तो हटना पड़ेगा। तो अगर एल्कोहल जुड़ेगा तो एसिड से क्या निकलेगा? एसिड से निकलेगा OH। ये याद रखना, जब भी कभी एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा हो तो एसिड एसिड दीदी बात एल्कोहल की रिएक्शन होगी, और एसिड और एल्कोहल की अगर रिएक्शन हुई तो डेफिनेटली बेटा बात करें क्या होगा कि एसिड से निकलेगा OH और एल्कोहल से क्या निकलेगा? H। जैसे अगर आपको एक रिएक्शन देता हूं मैं, CH3C OH, ठीक है, या इसको पूरा ही खोल दो बेटा बात कर रहे हैं, तो ये बन गया आपके पास एसिटिक एसिड, और इसके साथ रिएक्शन कराई आपने एथल एल्कोहल एथेनॉल, ठीक है, OH। तो यहां पर क्या जाएगा बेटा बात करें? अगर कंसंट्रेटेड कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप लेते हो तो यहां से जाएगा H, और इधर से जाएगा क्या? O। यहां से जाएगा H, इधर से जाएगा OH। क्या निकल गया? पानी। और जो बचा उसको ये जोड़ दो, क्या बन गया बेटा बात करें? CH3C OH, सिंगल बॉन्ड O, और क्या बन गया? C2H5। ये बना बेटा बात क्या मेरे पास? क्या एस्टर। एस्टर अपन जानते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो, इस तरफ भी यार, इस तरफ भी यार, तो ये एस्टर है। नाम चाहे तो बोल सकते थे एथल एथेनॉइड। क्या बोलते हैं? एथिल एथेनॉइड, कई बार बोल दिया गुड़े नाम, अपन को अच्छे से अच्छे आते हैं। तो एथल एथेनॉइड है बेटा बात करिए, एस्टर, ठीक। अब अगर आप चाहो तो मैग्नीशियम भी लिख सकते हो, मैग्नीशियम भी तो मैं देखना है कि भाई कैसे गया, तो अपन मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। बाकी यही गुड़े बात करें एसिडिफिकेशन है। एसिडिफिकेशन है क्या? व्हेन एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म एस्टर बाय द डिहाइड्रेशन प्रोसेस या बाय द रिमूविंग ऑफ वाटर, बस ये कहलाता है एसिडिफिकेशन, ठीक है। एसिडिफिकेशन क्या है? एसिडिफिकेशन इज अ गुड़े बात करें क्या फॉर्मेशन, या इट इज एसिडिफिकेशन इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, गुड़े बात करें बाय द रिएक्शन, या गुड़े बात करें व्हेन एसिड रिएक्ट विथ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बाय द डिहाइड्रेशन प्रोसेस।
उसको बोलते हैं एस्टिफिकेशन। अगर अपन चाहे मैग्नीशियम लिखना तो आराम से कर सकते हो, जैसे पहले एसिड पे रिएक्शन कराओ। तो फर्स्ट स्टेप में अगर बात करें, एसिड है ठीक है, सी डबल बॉन्ड हो, चाहे नीचे लो चाहे ऊपर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर आपने एसिड लिया ही क्यों, इसका मतलब ये रिएक्टिंग स्पीसीज है। एसिड क्या करता है बेटा, बात करें हमेशा, एसिड इज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन H+। एग्जैक्ट, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा बेटा, बात करें यहाँ पर कौन, H+। H+ अटैक कहाँ करेगा, जहां गुड़े बात करें, डेफिनेटली उसको नेगेटिव देखे क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, तो वहां जाएगा जहां पे नेगेटिव दिखेगा। ठीक है, इस H+ का सोर्स कौन है, आपका कंसंट्रेटेड H2 जो कि एक्टिवेटर है। ठीक है, अभी रिएजेंट ने अटैक नहीं किया तो बस ये एक्टिवेट कर देता है इस कंपाउंड को। तो ये कहां करेगा, अगर इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कौन ले ले बेटा, बात करें सॉरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन ले ले, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव जैसे दिखता है इलेक्ट्रोफाइल मतलब H+ से कूद जाता है। ठीक है, जैसे कूदेगा यहाँ पे क्या मिलेगा इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड, सी ऑक्सीजन नेगेटिव बेटा बात करें, और यहाँ पे क्या बनेगा, OH, और यहाँ पे कौन आ गया गुड़िया बात के बताओ, एक H। अब आपको पता है अगर यहाँ पर H+ आएगा यहाँ पर आ पाएगा, सोचो यहाँ पर थोड़ी आएगा, एक बार भी नहीं बोलते। H+ का अटैक कहाँ करेंगे अपन बताओ, यहाँ पे करेंगे क्योंकि नेगेटिव ही है, ये तो प्लस है, तो इसका मतलब बेटा बात कर यहाँ पर क्या आएगा, H आ गया। जैसे ही H आएगा, इस ऑक्सीजन ने जो दो इलेक्ट्रॉन लिए थे अपने बॉन्ड का अपने पास रखेगा, लेकिन इस कार्बन का इसको देगा, इसका प्लस खत्म, इसका माइनस खत्म, इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। अभी इस कार्बन के ऊपर क्या था, प्लस था, इस प्लस पे अटैक गुड़े बात करें कौन करेगा, अब आपका एल्कोहल अटैक करेगा। एल्कोहल में गुड़े बात का आपको अच्छे से पता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ठीक है, वाटर वाली कंडीशन H H, पर यहाँ पे H कार्बन ग्रुप आ गया, तो ये और गुड़े बात के प्लस आई इफेक्ट वाली कंडीशन है, तो ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑक्सीजन के पास, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो गुड़े बात करें बताया मोर डोनेट लोन पेयर। यहाँ पे आपका जो गुड़े एल्कोहल आया, क्या आया, एल्कोहल आया ठीक है, C2H5O लोन पेयर, लोन पेयर और H, ये गुड़े बात कर रहे क्या, हमारे पास लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बोकैटायन बना था, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करता जैसे ही गुड़े बात कर, आपका जो इंटरमीडिएट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, COH गुड़े बात कर, OH, और यहाँ पे क्या क्या बताओ बेटा, बात करें ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, एक ऑक्सीजन का गुड़े बात करें H, और दूसरा क्या आ गया बेटा बात करें C2H5। लेकिन जैसे ही गुड़े बात कर, सोचो ये ऑक्सीजन आया, इसने कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी आएगी ना, इसका तो प्लस खत्म हो गया माइनस प्लस से, लेकिन इसके पास क्या आ गया ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। सोचो कार्बन के ऊपर प्लस तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो कार्बन के प्लस खत्म करने के लिए अपना ऑक्सीजन का यूज कर लिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्लस अच्छा लग रहा है, अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, इस बेटा बात करें लेस स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रॉन गेट बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम और लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। अगर ऑक्सीजन के ऊपर गुड़े बात करें, पता ऑक्सीजन तो खुद कार्बन का पॉजिटिव खत्म किया, अब ऑक्सीजन के ऊपर आया तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव कौन लेके जाएगा, हाइड्रोजन। यहां से ऑक्सीजन दीदी क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन तो रखता है, साथ में हाइड्रोजन को लेता है। अगर इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, तो एक की कमी इसके पास है, वो कार्बन से छीन ले, वो किससे छीन लेता है, हाइड्रोजन से, तो बेचारा हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में चला जाता है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन को मिला, पूरा बॉन्ड इसका ऊपर क्या आता है, नेगेटिव आता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से जो गुड़े बात कर, आपका अगला कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड गुड़े बात करें OH ठीक है, OH गुड़े बात करें क्या बनेगा बेटा, बात करें ऑक्सीजन, और ये बन गया क्या, C2H5। पर एक कार्बन पर आपको लगातार दिख रहा है 2H है, 2H कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर निकलेगा। अगर वाटर दीदी बात कर निकला, समझ पा रहे हो क्या निकलेगा, वाटर, तो निकाल दो, माने गुड़े बात करें क्या हो गया, इसका गया OH, ये वाला आपने निकाल दिया, और इसका क्या गया बताओ बेटा, बात का OH जब भी जाएगा डेफिनेटली आपको अच्छे से पता है गुड़े बात कर किसके फॉर्म में जाएगा, OH नेगेटिव फॉर्म में, ये पूरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, OH, OH हटा नेगेटिव के फॉर्म में, तो यहां से किसको लेके जाएगा फिर, वो H+ को, मतलब पूरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया, कार्बन प्लस आए, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किसका छीन लिया, हाइड्रोजन का, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या नेगेटिव आया, जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ऑक्सीजन लेके जा रहा है, क्योंकि उसको किसको देना है, हाइड्रोजन को देना है, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में हट रहा है यहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर हाइड्रोजन का कौन छीन रहा है, ये ऑक्सीजन, वो किसको दे रहा है, कार्बन को, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन छीन के दे रहा है हाइड्रोजन को, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छीन के दे रहा है कार्बन को। अगर ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन गया तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल भी तो रहा है, ये बॉन्ड अगर शिफ्ट हो जाए, बात समझ पा रहे, तो मेरा पॉजिटिव खत्म, इसका नेगेटिव खत्म, यहां से क्या निकल गया बताओ बेटा, बात कर यहां से निकल गया वाटर, अल्टीमेटली क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हुआ गुड़े बात कर, और क्या बना सोचो, ये बना बेटा बात के मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, सी गुड़े बात कर सिंगल बॉन्ड, ओ सी के बाद सिंगल बॉन्ड है ना, तो वो ऊपर जो हम आगे लिख देते हैं ओ,
क्या बन गया बेटा, बात क्या बताओ, C2H5, C2H5। यहाँ कार्बन, बुरे बात का सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, पर ये जो बॉन्ड था वो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया बेटा यहाँ पर, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या बन गया, एस्टर। क्या बना, एस्टर बना कि नहीं बना, एस्टर। जो आपने दीदी बात करें डायरेक्ट बना दिया था, वो एस्टर मैकेनिज्म के द्वारा बन जाता है, उसमें ज्यादा कोई तकलीफ है नहीं, आपको बस घुमाना है, घुमाना और घुमा घुमा के बना देना है, छोटी सी बात है। अगर अब आप देखो, मैंने कहा था मुझे बात करें कि जब भी एस्टर बनता है तो उसमें एसिड जो है वो OH दे रहा है और जो एल्कोहल है वो एच दे रहा है। सबसे पहले आपने क्या किया था, याद है, ये एच पर अटैक कराया था, ये किसका था, कंसंट्रेटेड H2O4 का, वो क्योंकि रिएक्टिंग स्पीसीज था। अगर उसने एच प्लस दिया तो आपको पता है जो प्रेजेंस होता है, जो कैटलिस्ट होता है, वो दीदी बात कर आफ्टर रिएक्शन भी वैसे ही निकलता है। अगर सोचो इसने एच प्लस दिया होगा तो ये क्या बचा होगा, HSO4-, HSO4-, तो इसको HSO4 से वापस H2O4 बनना है, तो इसको फिर से अपना वापस एच प्लस चाहिए। जो इसने एच प्लस दिया था वो कहाँ है, वो एच प्लस ये है, कुछ याद आए। अगर इसने एच प्लस यहाँ दिया था, बुरे बात कर रहे, देने के बाद जब ऐसे H2, बुरे बात यहाँ पे कौन अटैक किया, सोचो CH2, C2H5OH, तो C2H5OH से क्या निकल गया, एच प्लस। कहाँ है एच प्लस, कहाँ गया, कुछ सोचा आपने, जो एच प्लस यहाँ अटैक किया वो था एसिड का, तो एसिड कैसे में बदल गया था, HSO4- में, तो वही गुड़िया बात क्या पता है, एच प्लस इस कंपाउंड ने वापस लौटा दिया। इस किस किस को किसने लिया होगा, क्योंकि उसी सॉल्यूशन में रिएक्शन चल रही है एक ही बीकर में, तो इस एच प्लस को किसने ले रखा होगा, HSO4- ने, वो बन चुका होगा क्या, H2SO4। तो अल्टीमेटली गुड़िया बात करें, आपने देखा कि अब एक चीज और देखो, C2H5OH जब आपने अटैक कराया, इससे केवल क्या निकला, एच प्लस। क्या निकला, एच प्लस। अब तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के बाद बुरे बात कर रहे, इस एसिड से ही देखो OH गया, गया कि नहीं गया, इसका एक OH और एक एच हटा, तो OH कहां से जा रहा है, एसिड से, और एच कहां से जा रहा है, एल्कोहल से, बात समझ। अल्टीमेटली निकला क्या, H2O। क्या निकला, H2O, और बुरे बात कर क्या बन गया, एस्टर। इसलिए आप हमेशा याद रखना, बुरे बात करें वो तो ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 16-16 वाला रहता है, तो चाहे इसका OH निकालो, चाहे इसका एच निकालो, चाहे इसका OH निकालो, चाहे इसका एच निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कभी उसने इस तरीके से दे रखी रिएक्शन, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, प्रोपनोइक एसिड दे रखा है, और इसकी रिएक्शन करा रखी उसने बुढ़े बात करे किसके साथ, CH3, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब एथेनॉल की जगह मेथेनॉल, उसने लिख रहा है ये ऑक्सीजन है 18 वाला, उसने हाईलाइट करके लिखा कि जो ऑक्सीजन है बेटा बात करे वो कौन, हैवी ऑक्सीजन है, क्योंकि जनरली ऑक्सीजन का एटम मास कितना होता है, एटम नंबर का डबल, एटम नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है, 16, बुरे बात करके 8 होता है, 8 होता है, तो उसका डबल करेंगे तो 16 आएगा, मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन का जो एटम मास आएगा वो 16 आएगा, लेकिन यहाँ पर आपने लिया हैवी ऑक्सीजन जिसका एटम मास कितना है, 18 है। तो यहां से बुरे बात कर याद रखना कि जो भी एस्टर बनेगा उसमें बुरे बात कर पता है मुझे ये ऑक्सीजन चाहिए, इसको आप नहीं हटाओगे, ठीक है। एक प्रोडक्ट ऐसे बना दिया उसने, CH3, CH2, बुरे बात करें C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन 18, ठीक है, CH3। ये भी बेटा बात करें आपका एस्टर ही है, कौन है बताओ, बुरे बात करें एस्टर, एस्टर एक तरफ मेथिल, एक तरफ बेटा बात करें पता है एथिल ग्रुप, लेकिन ये कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगी, ये पेरेंट कार्बन चेन, ये सब्स्टिट्यूट है, इसको अपन बोलते हैं मेथिल प्रोपेनोइड। क्या बन गया ये, मेथिल प्रोपेनोइड, मेथिल प्रोपेनोएट, मेथिल प्रोपेनोइड, बुरे बात करें, और साथ में क्या निकल गया बेटा बात करें, H2O। लेकिन अगर आपको साथ में ऐसा प्रोडक्ट भी मिला कि वो क्या कर रहा है, बुरे बात करें इसका हटा रहा है जो इसका OH, मतलब उसने अगर ऐसे दिया आपको प्रोडक्ट CH3 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और O और CH3, अगर ऐसा लिखा, एक प्रोडक्ट ये दे रखा जहां ऑक्सीजन 18 वाला एस्टर बनाया, एक बुरे बात का नॉर्मल 16 वाला एस्टर बनाया, अगर आपने ये बुरे बात कर बताया आंसर में लगाया, तो ये क्वेश्चन गलत है, यही सही है, बात समझ मेरे दोस्त, ठीक है। तो मुझे बुरे बात करें चाहिए क्या है बेटा बात करें, आपको अब हमेशा याद रखना है कि जब भी एल्कोहल और बुरे बात कैसेड की रिएक्शन अपन कराते हैं तो एस्टर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा एस्टर, लेकिन एस्टर बनने में जो OH जा रहा है वो कहां से जा रहा है, एसिड से, और एच कहां से जा रहा है, एल्कोहल से, बात समझ पा रहा। तो बाकी तो सब कुछ सिंपल ही होता है, ठीक है, एसिड हो एल्कोहल हो, मतलब एक पूरे बात कैथेनॉल है, मेथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, फिनॉल है, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, और एक एसिड है, तो वो एक का OH हटाओ, दूसरे का एच हटाओ, अगर ऑक्सीजन नॉर्मल लिखी है उसने हाईलाइट ही नहीं कर रखा है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका भी OH हटा सकते हो, इसका एच हटा सकते हो, इसका OH तो इसका एच हटाओ, पानी निकाल दो, पूरे बात करें वही रिएक्शन किसकी करानी है आपको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की, और क्या बन जाएगा आपका, एस्टर बन जाएगा। तो एस्टर बनना बहुत सिंपल होता है, एस्टर भी बनने में बुरे बात की ज्यादा कोई तकलीफ है नहीं,
एक बार और देख लो बुढ़े, बात करें बताओ एस्टरीफिकेशन क्या होता है बेटा, बात करें एस्टरीफिकेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, बुढ़े बात करें कब होता है, व्हेन बेटा बात करें वन मोल एसिड रिएक्ट विद वन मोल बुढ़े बात करें अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बुढ़े बात करें, सो एस्टर इज फॉर्म बाय द बेटा बात करें लॉस ऑफ वाटर बाय द बुढ़े बात करें डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर हमारे पास एक मोल गुड़े बात कर एसिड है एक मोल अल्कोहल है तो यहाँ से पानी निकालना है, डिहाइड्रिंग एजेंट आपको मिलेगा कंसनट्रेट H2O को जनरली यूज किया जाता है, उसकी जगह अगर नहीं होगा तो वो ड्राई HCl देगा या फिर गुड़े बात करें कंसनट्रेट H3PO4 देगा या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा या थोरियम ऑक्साइड देगा, ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। लेकिन आपकी बुक में कौन सा चलता है, कंसनट्रेट H2O आपने देखा होता है, तो कंसनट्रेटेड H2O4 जहां वहीं पर आएगा, कंसनट्रेट का मतलब है वहां गाढ़ा है, वो वहां पानी की कमी है, वो पानी खींचता है तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन है, डिहाइड्रेटिंग, कहीं भी अगर कंसंट्रेटेड H2O4 की रिएक्शन लिख रखी उसमें ऊपर एरो पर तो समझ जाना वहां से पानी निकलेगा, क्या निकलना है पानी, तो गुड़े बात कर एस्टर बन जाएगा। एस्टर कैसे बनता है पता चल गया, एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करानी, पानी निकालना है, एसिड से अगर आप OH निकाल रहे तो एल्कोहल से क्या निकालना है एच निकालना है, या फिर गुड़े बात कर रहे आप एल्कोहल से OH निकाल दो एसिड से एच निकाल दो, लेकिन जनरली निकलता क्या है एसिड से OH और एल्कोहल से एच निकाल दो, दोनों को जोड़ दो क्या बनेगा एस्टर बनेगा, ये एस्टरीफिकेशन है, नोट करो फटाफट फटाफट, कोई तकलीफ है क्या, ठीक है। एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन कराओगे एस्टर बनेगा, ये बात सही है, लेकिन आप उठा के देखो ये जो एल्कोहल है इस पे जब अटैक करने जाएगा क्या गुड़े बात के इसको इतनी सिंपल जगह मिलेगी, नहीं, क्या कंडीशन है बेटा बात का, पहली बात तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये OH इधर है, ये OH इधर है, ये सी इधर है, ये चारों तरफ से इस कार्बन को इसने कवर कर रखा है इन ग्रुपों ने, मतलब गुड़े बात करिए OH इतनी स्मूथली अटैक नहीं कर पाएगा, या तो फ्रंट से अटैक करेगा तो बैक से अटैक करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब सोचो अगर जितने बड़े ग्रुप होंगे उतने ही गुड़े बात करें इस पता है इस कार्बन को कार्बोकेटायन को ये घेर के रखेंगे, माना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इस कार्बन को अगर ये बड़े ग्रुप ने बेटा बात करें कवर कर रखा है तो इसका मतलब है इस कार्बन को जो डोनर आएगा देने वो गुड़े इतने आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है बेटा बात करें। दूसरी बात अगर यहाँ सोचो मेथल एल्कोहल आता, छोटे से छोटा एल्कोहल होता छोटी जगह में आगे आराम से अटैक कर जाता, अगर हम बेटा बात क्या बड़े से बड़ा एल्कोहल लेते जाए तो इसका मतलब यहाँ जगह थोड़ी इतनी है जो तो आपको गुड़े बात करें कितनी स्मूथली अटैक कर जाएगा, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है इस कार्बन को जिसपे आपको अटैक करना है, अपन क्या देख रहे हैं कि अटैक करना है, लेकिन ये देखो कि इसके ऊपर अटैक करने की जगह भी आपके पास है कि नहीं है, अगर जगह है अटैक करो, अगर जगह नहीं है तो अटैक नहीं हो पाएगा, तो चाहे की भी गुड़े बात करें आपका एस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। कई बार वो क्वेश्चन में क्या देता है बेटा बात कर आपको चार एसिड देता है और चार एसिड देकर पूछता है गुड़े बात कर बिच बन इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स एस्टिफिकेशन, कई बार गुड़े बात कर एसिड हटा देता है एल्कोहल दे देता है बिचबन बेटा बात की कोई भी एक एसिड दे देगा, जैसे एसिटिक एसिड दे दिया प्रोपोनिक एसिड दे दिया, इनमें से कौन सा एल्कोहल बेटा बात करें बता इस प्रोपोनिक एसिड के साथ इजीली एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, मतलब बिचबन बेटा बात करें एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एस्टिफिकेशन गुड़े बात कर, समझ पा रहे हैं किसके साथ विथ गुड़े बात करें एसिटिक एसिड विथ प्रोपोनिक एसिड विथ बेंजोइक एसिड दुनिया भर का कुछ भी बोल सकता है, तो अगर एक से ज्यादा एल्कोहल एक से ज्यादा एस गुड़े बात का एसिड दे दे तो ये देखना जिसमें बेटा छोटे ग्रुप हो, मतलब जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो वो एल्कोहल इजीली अटैक करेगा, और जहां गुड़े बात करें पता है एसिड में छोटे ग्रुप हो उस गुड़े बात करें एसिड के अंदर कार्ब कैटाइन की गुड़े बात कर सराउंडिंग में एसिड हिंड्रेंस कम रहेगा तो आपका एल्कोहल इजीली अटैक कर पाएगा, मतलब यहाँ पे आपको गुड़े बात करें अटैक ज्यादा होगा तो गुड़े बात के प्रोडक्ट अच्छे से मिल पाएगा ज्यादा प्रोडक्ट मिल पाएगा, मतलब इतना गुड़े बात करें अगर रिएक्टिविटी कभी उसने पूछा तो आपको क्या लिखना है रिएक्टिविटी, क्या लिखा बेटा बात करें रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, जल्दी बोलो बेटा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एस्टरीफिकेशन टूवर्ड्स एस्टरीफिकेशन गुड़े बात करें, जल्दी बोलो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा जल्दी बोलो बेटा बात करें वन अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या बोलेंगे वन अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस गुड़े बात करें, स्टेरिक हिंड्रेंस को अपन क्या बोलते हैं बेटा त्रिविम बाधा, क्या बोलते हैं गुड़िया त्रिविम बाधा, जहां पे त्रिविम बाधा कम है वहां स्टेरिक वहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा है, वहां पर एस्टरीफिकेशन ज्यादा होगा, वहां पर एस्टर ज्यादा बनेंगे क्योंकि उसमें रिलेशन कैसा है इनवर्सली है ना, अगर अपन देखें स्टेरिक हिंड्रेंस कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा एस्टर का फॉर्मेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस कम तो एस्टिफिकेशन ज्यादा, समझ पा रहे हो, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो एस्टिफिकेशन, अरे होगा कि नहीं होगा, मैंने अभी दो बार क्या करवाया था एक जैसी चीजें बोलवाई थी तो फिर उसको पलटना नहीं था, ठीक है थोड़ा फोकस करना है। अच्छा अब क्वेश्चन लिखो बेटा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है वही क्वेश्चन है विच वन, लिखो क्वेश्चन फटाफट विच वन एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एस्टिफिकेशन, विच वन एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एस्टिफिकेशन, फर्स्ट ऑप्शन बेटा बात क्या मैथेनॉल, फर्स्ट
फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मेथेनॉल मतलब CH3OH, सेकंड ऑप्शन एथेनॉल C2H5OH, थर्ड ऑप्शन 2-methyl, यदि उसको लिख सकते आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, थर्ड ऑप्शन में क्या बेटा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल है ना, और फोर्थ है गुड़े बात के हमारे पास क्या, टू मैथल प्रोपेंटुअल, टू मैथल प्रोपेंटुअल, बताओ मैथेनॉल एथेनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और बेटा बात के टू मैथल प्रोपेंटुअल। क्वेश्चन दीदी इस तरीके से, पहला गुड़े बात का लिखा है CH3OH, सोचो बेटा बात का ऑक्सीजन को अटैक करना है, छोटा ग्रुप लगा है इस तरफ है ना, यहां पर हाइड्रोजन ही है, आप चाहो तो ऑप्शन इस तरीके से लिख सकते हो CH3OH, सेकंड ऑप्शन है बेटा बात करे क्या एथेनॉल C2H5OH, बुढ़े बात कर थर्ड ऑप्शन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मतलब CH3COH, बुढ़े बात करे क्या था बेटा CH3 है ना CH मतलब इस तरीके से, और फोर्थ ऑप्शन क्या बोला था बेटा बात करें CH3COH, बुढ़े बात करें, बात समझ पा रहे बेटा, और क्या आ गया ये CH3 और CH3, सोचो मतलब इस तरीके से, एक जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिच में इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स फर्स्ट, फिर चलो दीदी बताओ जरा, फोर्थ सबसे बुरे बात करें कम स्ट्रिक्ट हिंडेंस रखता है कि सबसे ज्यादा, है ना, क्या सबसे कम अटैक करेगा कि सबसे कम स्ट्रिक्ट हिंडेंस है, दो चीजें हो सकती हैं, बात तो सही कहना चाह रही कि सबसे कम अटैक करेगा ऐसी कह रही है वो, है ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस है। बुढ़िया ये सोचो आपको देखना कहाँ था, ये तो बेटा बात कर दोनों में है, ऑक्सीजन को अटैक करना है कि नहीं करना, आप रिएक्टिविटी में देखो सेकंड स्टेट, अच्छा दीदी जहां अटैक करता है ना बेटा ये आपका कौन एल्कोहल मतलब कौन न्यूक्लोफाइल, वो बुढ़िया बात कर क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बात समझ पा रहे हो, तो दूसरी कंडीशन बुढ़िया बात कर OH हुए तो सब में सिमिलर है बेटा, अटैक तो ऑक्सीजन को करना है लेकिन आप देख रहे हो लगातार क्या हो रहा है ग्रुप बढ़ता जा रहा है, छोटे ग्रुप से बड़ा ग्रुप और बड़ा ग्रुप और दीदी और बड़ा ग्रुप मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन चाहे के भी यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है, इसको तो मैंने स्मूथली बनाया, रियल में गुटे बात करके कैसा है SP2 हाइब्रिडाइज, यहाँ भी बेटा बात करो OH है और यहाँ भी गुटे बात करके क्या है बताओ CH3 है, यहाँ से भी गुटे बात करे गॉड सराउंडेड, यहाँ से भी सराउंडेड, यहाँ से भी सराउंडेड, इतनी जगह है भी कि इतना गुटे बात कर सबसे बड़ा जो एल्कोहल है वो यहाँ पे अटैक कर पाए, नहीं कर पाएगा क्योंकि जिस कार्बन पे आपको अटैक करना है वो पहले से ही गुड़े बात करे पता है दूसरे ग्रुप के साथ सराउंडेड है मतलब घुरा हुआ है, तो एल्कोहल इजीली वहां पहुंच नहीं पाएगा, जब पहुंचेगा नहीं तो लोन पेयर कहां से दे पाएगा, मतलब इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, बात समझ पा रहे हो, जितना बड़ा ग्रुप उसके अटैक करने के चांस उतने, जितना छोटा ग्रुप उसके अटैक करने के चांस उतने, तो कौन सा मोर रिएक्टिव है, बात समझ पा रहे हो, अब बेटा बात करिए था एल्कोहल का, अगर ऐसे आपको क्वेश्चन देते हैं लिखो गुटिया बात करें, जब एल्कोहल डिफरेंट रखे तो समझ जाना कि एक ही एसिड पे उसको अटैक कराना है क्योंकि दोनों को वेरिएबल नहीं कर सकता, अब अगर वो एसिड को वेरिएबल करता तो इसका मतलब एल्कोहल फिक्स है, मेथनॉल एथेनॉल कुछ भी आप मान के कर लो, लिखो बेटा बात कर रिएक्टिविटी ऑर्डर, देखो विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एस्टरीफिकेशन विथ मेथेनॉल, ये गुड़े बात के विथ एथेनॉल जो भी आपको लिखना है, कौन सा गुड़े बात का एसिड मोर रिएक्टिव है टूवर्ड्स एस्टरीफिकेशन, तो लिख लो बेटा बात करें ऐसा लिखो अरे इन द फॉलोइंग बेटा बात कर एसिड टूवर्ड्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, या करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एस्टरीफिकेशन, अरे इन द फॉलोइंग एसिड इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एस्टरीफिकेशन इफ एल्कोहल इज सेम, इफ एल्कोहल इज सेम, अगर एल्कोहल सेम है फर्स्ट लिखो बेटा फॉर्मिक एसिड, सेकेंड एसिडिक एसिड, फर्स्ट क्या है फॉर्मिक एसिड, सेकेंड एसिडिक एसिड, थर्ड 2-methyl propionic acid और फोर्थ 2,2-dimethyl propionic acid, फॉर्मिक एसिड फर्स्ट एसिडिक एसिड सेकेंड 2-methyl propionic acid थर्ड
टू टू डायमेथिल प्रोपोनिक एसिड फोर्थ। कुछ ऐसा दिया है गुड़िया, बात करें कि अगर एल्कोहल सिमिलर है, मतलब कोई भी, मैंने कहा इफ एल्कोहल इज सेम, आप किसी भी एक एल्कोहल को गुड़िया बात कर लेके देख लो, किस एल्कोहल के साथ मुझे इन सभी एसिड की रिएक्शन करानी है, तो कौन सा इजिली बेटा बात कैस्टर बनाएगा। ठीक है, अब यहां पे अपन को क्या दे रखा है, एल्कोहल डिफरेंट दे रखा है कि सेम दे रखा है, एल्कोहल सेम है, एसिड डिफरेंट है। और एसिड पहला क्या दिया आपको, फॉर्मिक एसिड, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। दूसरा क्या दे रखा बेटा, एच को हटा दो क्योंकि एसिड तो ये है, CH3 लगा दो। क्या लगा दिया अपन ने, CH3, बड़ा ग्रुप लगाते जा रहे हैं ना बेटा, सी गुड़े बात कर बता है, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। आपको अच्छे से पता चलती अटैक कहां पे करना है, अटैक अगर ये कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव। यहां गुड़े बात का आपको पता है, यहां पर एच है, यहां ओ एच है, यहां ऑक्सीजन है, स्टेक हिंडेंस है, पर यहां पर और बड़ा ग्रुप आ गया। अगर थर्ड में जाए आप तो आपने क्या लिखा था गुड़े बात करें बताओ, टू मैथिल, बिल्कुल टू मैथिल प्रोपोनोइक एसिड है ना, मतलब गुड़े बात करें ये वाला ग्रुप आ गया। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ गुड़े बात करें ओ एच। ठीक है, इस तरीके से। अब इस रियल में ये इधर थोड़ी है, ये ऊपर की तरफ है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो दीदी बात करें स्टेक हिंडेंस यहाँ पे लगातार बढ़ ही रहा है, बात समझ पा रहे हो। और यहाँ बेटा बात करें कम था, यहाँ और स्टेक हिंडेंस देखो, यहाँ कम था, यहाँ बिल्कुल कम था, यहाँ बहुत सारी जगह थी, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें क्या ओ एच बेटा बात करो। और यहां जो ग्रुप आएगा वो कौन आएगा, टू टू डायमेथिल, क्या बोला आपने, सोचो कितना बड़ा ग्रुप है, बस समझ पा रहे हो, कहीं अटैक के लिए जगह ही नहीं है। अगर ये मुश्किल से ऑप्शन ले भी ले, चलो नेगेटिव हो ये पॉजिटिव है, अटैक कहां करोगे, क्योंकि बड़ा ग्रुप लगातार क्या हो रहा है बेटा बात करें बढ़ता जा रहा है। मैंने क्वेश्चन कभी वहां से सॉल्व नहीं किया जो सब में सिमिलर है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। मैंने क्वेश्चन किया गुड़े बात की जो वेरिएबल है, अगर बड़ा ग्रुप जुड़ता जाए, बल्कि ग्रुप जुड़ता जाए, तो उस कार्बन पे जो गुड़े ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन के, कार्बन के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, तो गुड़े बात कर उस पॉजिटिव पे एल्कोहल का अटैक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस एसिड के अंदर बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप उस कार्बन को, किस कार्बन को, जिसके ऊपर पॉजिटिव आना है, मतलब कैटायन वाले कार्बन को, बात समझ पा रहे हो, उसको चारों तरफ से घेर लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, पूरा बात करें मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, सो लेस रिएक्टिव, क्या बोल सकते हैं, लेस रिएक्टिव। छोटी सी बात है यार, सभी एसिड में हमने क्या देख रहे हैं, बड़े ग्रुप को स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो अटैक कम होना है। पहले क्वेश्चन अपने क्या लिखा था, अर इन द फॉलोइंग एल्कोहल गुड़े बात करें पता है, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एस्टरीफिकेशन इफ एसिड इज सेम। पहले में हमने एल्कोहल देखा था, एल्कोहल में ओएच ओएच समय सेम था, लेकिन जो दूसरा गुड़े आर ग्रुप था वो छोटा ग्रुप है, इजीली कहीं भी घुस जाएगा, आराम से लोन पे डोनेट करके आ जाएगा। लेकिन अगर बेटा बात करें वैसे ही अपन बात करें कि एल्कोहल के अंदर ग्रुप बढ़ता जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। वैसे एसिड में देखना आपको कि अटैक करना है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, तो अगर बड़ा ग्रुप होगा तो वो कार्बन को सराउंडेड कर लेगा, चाहो तो उसे घेर लेगा, तो एल्कोहल कहीं आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा ना। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स बेटा बात करें क्या, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एस्टरीफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात करें वन अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा बेटा बात करें, उस एसिड के अंदर गुड़े बात के एल्कोहल का अटैक कम होगा, उस एसिड पर एल्कोहल का अटैक कम होगा, गुड़े बात करें वहां पे एस्टर बनने के चांस कम होंगे। अगर छोटा बेटा बात करें ग्रुप वाला एसिड हो, छोटा ग्रुप वाला एल्कोहल है, इजीली गुड़े बात का अटैक करेगा अच्छे से अच्छा, गुड़े बात को ज्यादा से ज्यादा, मतलब मोर अमाउंट में गुड़े बात करें पता है, मोर क्वांटिटी में मुझे क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी गुड़े बात करें टूवर्ड्स एस्टरीफिकेशन ज्यादा होगी, ग्रुप बढ़ने पर, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने पर रिएक्टिविटी की जो रेट है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, एस्टर कैसे बनता है, एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के ऊपर कराओ, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के बिजनेस में पानी निकाल दो, एसिड से OH जाएगा, एल्कोहल से H जाएगा, एस्टर बन जाएगा, क्लियर है, करो नोट।